हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। तो आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वह है तनाव। तनाव क्या है, तनाव को कैसे कम करें। आजकल हर दूसरा व्यक्ति तनाव से पीड़ित है और लोग छोटी छोटी बातों पर इतना अधिक सोचते हैं कि उन्हें जरूरी बातों का ध्यान ही नहीं रहता। तो जो बड़ा हुआ तनाव होता है उससे कई सारी परेशानियाँ होती हैं, जैसे मानसिक स्वास्थ्य पर इसका बुरा असर पड़ता है। साथ ही साथ स्ट्रेस और चिंता के कारण जो ऑफिशियल लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, उस पर भी बहुत ही बुरा असर पड़ता है। तो यदि किसी व्यक्ति को स्ट्रेस मैनेजमेंट आ जाए तो वह इस तनाव से बाहर निकल सकता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे भाई तनाव क्या है। तो तनाव मन में उपजा हुआ एक विकार है, और जब कभी हमें किसी चीज़ का भय सताता है, डर सताता है, तो उसके परिणामस्वरूप हम तनावग्रस्त हो जाते हैं। तो मन की स्थिति एवं परिस्थिति के बीच असंतुलन या असमंजस के कारण तनाव उत्पन्न होता है। तो जैसे एक कोई विद्यार्थी है और उसकी जो परीक्षाएं हैं वो निकट हैं, लेकिन वह उसकी तैयारी नहीं कर रहा है, लेकिन बाद में देखने को मिलेगा कि वह तनाव ग्रसित हो सकता है, क्योंकि परीक्षा से पूर्व अपनी पढ़ाई प्रारंभ करेगा और उससे पूर्व उसके पास इतना अधिक समय नहीं होगा कि वह परीक्षा की एक अच्छी तैयारी कर सके। तो जब वो एग्ज़ाम देने जाएगा तो वहाँ वो तनावग्रस्त हो सकता है। तो इन चीज़ों का खासा ध्यान रखना होता है कि आप कोई भी स्थिति या परिस्थिति जो है, अगर उसमें संतुलन नहीं बिठा पाएंगे और उसके परिणामस्वरूप जो तनाव होना है वो लाजमी। तो तनाव क्यों होता है? तो तनाव के कई कारण होते हैं, लेकिन जो मुख्य कारण ये है कि जो हमारे जीवन है, जो हमारा सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक जो व्यवस्था है, तो यदि हम इसमें संतुलन स्थापित नहीं कर पाते हैं तो तनाव की स्थिति बनती है। जब कभी हमें तनाव होता है जो हार्मोन होते हैं वो उत्सर्जित होते हैं, तो जो टेंशन की स्थिति में जो एड्रेनालिन है उसका उत्सर्जन हमारे शरीर में बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में जो दिल की धड़कन है, मानसिक और शारीरिक चेतना है, वो बहुत अधिक बढ़ जाती है। अगर यही स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो भी कमज़ोर हो जाता है, और जो बाहरी बीमारियाँ हैं उससे निपटने के लिए जो हमारा शरीर है और जो मानसिक क्षमता है वो भी प्रभावित होती है। तो तनाव के प्रकार क्या हैं? तो तनाव में यदि हम कहें, एक होता है यू स्ट्रेस और दूसरा है डिस्ट्रेस। तो यू स्ट्रेस एक इच्छित तनाव है और यह खतरनाक नहीं होता बल्कि आवश्यक होता है। तो जैसे अगर आपको कोई कार्य करते हुए दिया गया है कि आपको ये पूरा करना है, तो यू स्ट्रेस ही वो होता है जो व्यक्ति को अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक रखता है। और जहाँ तक डिस्ट्रेस की बात करें, जो नेगेटिव स्ट्रेस है, तो अगर व्यक्ति इस पर नियंत्रण नहीं रख पाता तो उससे फिर कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब देखेंगे भाई कि जो तनाव के जो लक्षण हैं वो क्या हैं। तो तनाव के जो लक्षण हैं तो उसमें सामान्य तौर पर भूख का कम लगना, तेज़ी से मूड बदलना, आत्मसम्मान में कमी आना, हर वक्त टेंशन और बेचैनी महसूस करना, ज़्यादा या कम सोना, कमज़ोर याददाश्त या भूलने की समस्या, तो जरूरत से ज़्यादा जो शराब या ड्रग्स लेना, दिल से ज़्यादा थकान या ऊर्जा में कमी होना, परिवार और दोस्तों से दूर दूर रहना, चरित्र से दूर हो जाना, ध्यान केंद्रित न कर पाना और काम में संघर्ष करना, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन चीज़ों पर ही मन न लगना जो पहले आपकी पसंद थी, तो ये भी ऐसा बिंदु है जिससे पता कर सकते कि भाई तनाव की स्थिति में आप हैं। और विचित्र अनुभव करना, उन चीज़ों का दिखना जो वहाँ है ही नहीं, तो ऐसी भी अनुभूति होना प्रारंभ हो जाता है। स्ट्रेस को दूर करने के उपाय, तो अब हम जानेंगे कि कैसे हम स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, उसको दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले यह है कि जो तनाव है तो उसकी जड़ तक हमें पहुंचना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको कुछ अपने जो हैबिट्स हैं उसमें परिवर्तन लाना पड़ेगा, और हमेशा चीज़ों को सकारात्मक तरीके से देखने की कोशिश करनी पड़ेगी। कई बार हो सकता है कि आपको एक फ्रेश स्टार्ट लेनी पड़े, दोबारा से अपने जो कार्य आप कर रहे हैं उसको पुनः प्रारंभ करना पड़े, साथ ही साथ आपको हर कार्य में उत्साह भी बरकरार रखना पड़ेगा।
रोज़ाना आपको अपने आप को लक्ष्य देना पड़ेगा और उसे सर्वश्रेष्ठ तरीके से करने का भाव आपके अंदर होना चाहिए। और सकारात्मक तरीके से अगर आप उत्साहपूर्वक उसे करेंगे तो तनाव की स्थिति कभी आएगी ही नहीं। यहाँ पर पर्याप्त नींद का लेना और शरीर को आराम देना, मन को स्वस्थ रखना, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो जब आप पर्याप्त नींद लेते हैं तो इससे आपकी कार्यक्षमता भी बढ़ती है और इससे तनाव में कमी आने में भी मदद मिलती है। और सबसे जो ज़रूरी है वो है आपको अपने व्यवहार को एक बहुत ही अच्छा व्यवहार बनाना है। तो वो कैसे अच्छा व्यवहार बनाएंगे आप? जब आप लोगों से बहुत अच्छी तरह से पेश आते हैं तो आप अच्छा व्यवहार आपने करना है, अच्छे लोगों से दोस्ती रखनी है, तो जो तनाव है वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। तो इसके अलावा जो तनाव से होने वाले नुकसान हैं, तो इससे कई सारे नुकसान होते हैं, जैसे हमारे इम्यूनिटी सिस्टम हो गया, हृदय को नुकसान पहुँचता है, तनाव से कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, और कम उम्र में ही जो व्यक्ति होता है वो अधिक उम्र का लगने लग जाता है, उसके जो चेहरे पर उम्र से पहले ही झुर्रियाँ आदि दिखने लग जाती हैं, परिवार में लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं, तनाव के कारण इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है, तो जो उसके रिश्ते होते हैं उसमें भी अनबन शुरू हो जाती है और रिश्ते बिगड़ते चले जाते हैं। आइए आप थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि जो मानसिक तनाव है उससे मुक्ति के क्या उपाय हैं। तो सबसे पहले तो है कि खूब व्यायाम करें, योगा, व्यायाम, तो इन चीज़ों से जो तनाव है उसे हम दूर रख सकते हैं। तो जब आप दिन की शुरुआत करते हैं तो आप अपना एक टाइम टेबल जरूर बनाएं, तो दिन का टाइम टेबल आपका होना ज़रूरी है। कई बार अपना जो बिजी शेड्यूल होता है उसमें जो आपकी हॉबीज़ हैं उसको आप शामिल ज़रूर करें, जैसे किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, ध्यान लगाना इत्यादि। मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए ये सारी आदतें बहुत ही ज़रूरी हैं। तो कुछ भी खाने से बचें, तो कई बार जो तनाव होता है तो तनाव अत्यधिक हो जाता है, तो उसमें व्यक्ति कोई तो बहुत ज़्यादा खाने लग जाता है और कोई भोजन ग्रहण ही नहीं करता है। तो कुछ भी खाने से आपको बचना है, तो ऐसी जो खाद्य पदार्थ हैं जिससे अनिद्रा या ब्लड प्रेशर का बढ़ना, तो इस तरह जो सारे नुकसान होते हैं तो इससे भी बचना चाहिए, क्योंकि ये भी आपके तनाव को बढ़ाते हैं। और सबसे ज़रूरी जो है वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो तनाव को कम करने के आपको कई बेहतरीन तरीके अपनाने पड़ेंगे, तो जिसमें सबसे पहले है कि बेहतर प्रबंधन करना। तो आपकी जो दिनचर्या होती है तो वो भी इसके लिए उत्तरदायी होती है। तो अगर दिनचर्या में आप प्राथमिकता के अनुसार कार्य करेंगे, सूची बनाएंगे, तो आप दबाव महसूस नहीं करेंगे। तो जो कार्य सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसे सबसे पहले करें, और तो आपको प्राथमिकता के अनुसार कार्य करना ज़रूरी है। एक्सरसाइज के साथ साथ आप योग को भी अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं। दूसरों की हर बात पर प्रतिक्रिया ना करें, तो ये बहुत ज़रूरी है। कई लोग ये होता है कि बातचीत के दौरान या हर समय जब भी उनसे कोई व्यक्ति किसी तरह की बात करता है तो वो प्रतिक्रिया देने से कभी भी पीछे नहीं हटते। तो जब आप बार बार छोटी सी बात पर भी रिएक्ट करेंगे तो इससे भी आपको जो तनाव है वो हो सकता है। और जो महत्वपूर्ण बिंदु एक और है कि कई जो लोग होते हैं वो बहुत ही परफेक्शन चाहते हैं, तो ज़्यादा परफेक्शन की आदत से भी आपको बचना चाहिए, क्योंकि कई बार देखा गया है कि इसकी वजह से भी व्यक्ति को स्ट्रेस होता है। तो मुझे लगता है कि जो आज हमने चर्चा करी है तनाव और तनाव से बचने के तरीके, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए लाभदायक होंगे। तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करें और सफलता आपके कदम चूमें और आपके जीवन में कोई भी तनाव ना रहे। धन्यवाद।